एंटीजन, ठीक है ना, एंटीजन को टू पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, एंटी प्लस जेड, ठीक है ना, एंटी मतलब अपोजिट, जेड मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। एंटीजन क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस रहते हैं, ऐसे मटेरियल रहते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि बॉडी का पार्ट नहीं है, ड्रग भी अपनी एंटीजन में होती है, ड्रग भी एंटीजन होती है, लेकिन बॉडी का डिफेंस सिस्टम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, हालांकि उनका मेटाबॉलिज्म होती है, डिटॉक्सिफाई होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि पैथोजन है, अभी पैथोजन पर फोकस करते हैं, कोई पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या कोई फंगल स्पोर है, कुछ भी किसी टाइप का मटेरियल है, जो कि बॉडी का पार्ट नहीं है, तो बॉडी के अंदर पहुंचता है, तो बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद जो अपना अपना इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेटेड हो जाता है तुरंत के तुरंत, और इसके अगेंस्ट, इस मटेरियल के अगेंस्ट क्या अपना लगता है, एक प्रोटीन, स्पेशल टाइप की प्रोटीन जनरेट करने लगता है, इसको अपन एंटीबॉडी नाम देते हैं, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस अल्टीमेटली तो यही है, इंडक्शन तो यही दे रहा है, एंटीबॉडी ऐसे तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, बॉडी क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा बॉडी एंटीबॉडी, क्योंकि बॉडी वो काम नहीं करती इसमें उसका अननेसेसरी उसका मटेरियल का या एनर्जी का लॉस हो, क्योंकि आपने कोई काम नहीं है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी, इसलिए इसलिए कोई काम ही नहीं है उसका। जी तो वो वाली बात हुई कि आपको घर में जरूरत नहीं थी उस चीज की, वही चीज भी खरीद के ले आए, तब जरूरत भी नहीं, फिर भी पड़ी हुई है, वेस्टेज है, ठीक है ना, खराब हो जाए क्या मतलब, आपने एनर्जी वेस्ट की, प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, एनर्जी भी लगी, अमीनो एसिड भी लगे, और तो इसके बजाय क्या होता है कि जब ये एंटीजन बॉडी में पहुंचेगा, बॉडी में जब ये एंटीजन पहुंचेगा तो इसके अगेंस्ट में कुछ बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है, कुछ प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए इंडक्शन देने वाला जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, एंटीबॉडी। या फिर अपन इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी की एक्टिविटी के अगेंस्ट एक एक्टिविटी प्रोड्यूस करना, अपोजिट एक्टिविटी प्रोड्यूस करना, जन मतलब प्रोड्यूस करना, एंटी मतलब अपोजिट, अपोजिट ही एक्टिविटी है, ठीक है ना, अपोजिट एक्टिविटी प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। एंटीजन के बारे में खास बात है, सबसे पहले खास बात है स्पेसिफिक, बीएसएफ का निशाना बनेगा, सीआरपीएफ का निशाना बनेगा, किसका निशाना बनेगा, ये तय हो जाता है पहले से, ठीक है ना, स्पेसिफिक एंटीजन आर स्पेसिफिक, क्योंकि एंटीजन कंपाउंड होता है, सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटीन के साथ जुड़ता है, प्रोटीन क्या अपनी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जब किसी के साथ किसी कोई प्रोटीन या कोई एंजाइम किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ता है तो सब्सटेंस और प्रोटीन रिएक्शन क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, होती है, तो इसका भी एक्शन भी क्या होगा, स्पेसिफिक ही होगा, स्पेसिफिक। दूसरी खास बात, इम्यूनोजेनेसिटी, मतलब एक इसका स्पेसिफिक मॉलिकुलर वेट होना चाहिए, एक इसका स्पेसिफिक मॉलिकुलर वेट होना चाहिए, उस मॉलिकुलर वेट से अगर ऊपर है तो ये एंटीजन का काम करेगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट एंटीजन कहलाएगा, ठीक है ना, तो मतलब इम्यूनोजेनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी को भी एंटीजन बोल देंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाए, वो एंटीजन नहीं कहलाएगा। तो मतलब एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं और एंटीजन क्या होते हैं, इम्यूनोजेनिक होते हैं, ठीक है ना। तीसरा होता है एंटीजन, एंटीजेनिसिटी भी होनी चाहिए ना, एंटीजेनिसिटी समझते हो, एंटीबॉडी, ठीक है ना, हाँ, मतलब जो एक्शन हो इसका जो एक्शन हो अपोजिट हो, ठीक है ना, तो मतलब स्पेसिफिक, इम्यूनोजेनिक और एंटीजेनिक, ये तीन प्रॉपर्टीज होती है किसकी, किसी एंटीजन बनने के लिए, ये तीन प्रॉपर्टी होना चाहिए, कम से कम तीन नहीं तो दो तो होनी चाहिए, कम से कम स्पेसिफिक होगा तभी जाके कल कर पाएगी अपनी बॉडी से, स्पेसिफिक होगा तभी जाके एक्शन कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, इम्यूनोजेनिक होगा तभी जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो पाएगी, अदरवाइज प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये दोनों चीजें तो बहुत मस्ट है, ये मैंडेटरी है, स्पेसिफिक और